हेलो बच्चों, क्या हालचाल है? सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया होगा? पढ़ते रहिए। जो लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ हों अच्छे से, जिनके घर कोई दिक्कत है, जिनके घर भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ईश्वर से प्रभु से कामना है कि आप लोगों का स्वास्थ्य सबका क्या है, अच्छा हो। और पढ़ाई को अपने क्या है जारी रखिए। भाई देखिए, स्वस्थ होने के लिए और बेस्ट करने के लिए, इंडिया को स्वस्थ करने के लिए, भारत को स्वस्थ करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोगों से उम्मीद है भाई। इस पूर्वांचल के जो भी बच्चे देख रहे हैं, भारत को स्वस्थ करने के लिए, हमारा भारत स्वस्थ होगा जब हमारा पूर्वांचल का हर बच्चा क्या है पढ़ेगा और नीट को क्या है अच्छे से देगा। अच्छे से देने का मतलब नीट में ही नहीं कि रैंकिंग आनी चाहिए, नीट में आप ही लोगों का नंबर आना चाहिए तभी जाके अच्छा होगा भाई। तो पूर्वांचल को पढ़ना पड़ेगा किसके लिए? नीट 2021 को, तभी भारत में क्या है डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे भारत में डॉक्टर बढ़ेंगे, और भारत में डॉक्टर बढ़ेंगे तो भाई बीमारियों से हम लोग क्या है लड़ेंगे। तो भाई आप लोगों से बहुत उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ क्या है आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो है मुझे डिस्कशन करना है, आज 17 मई है 2021, आज के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 180 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, जिसमें आज मुझे फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन, मैं एसके राय डायरेक्टर गुरुकुल पाठशाला, मुझे ये डिस्कस करना है लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन 1 पे चलते हैं, आ गए क्वेश्चन 1 पे हम लोग। अब देखो भाई क्वेश्चन 1 पे क्या कर रहा है, 45 क्वेश्चन है, आराम से कि क्वेश्चन को जो आपको आ रहा होगा उसको क्या है स्किप करते मतलब आगे बढ़ते चलिएगा, जो नहीं आ रहा है उसको देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है भाई, थोड़ा कभी कभी स्पीड हमारी भी तेज रहती है तो कुछ पॉइंट्स इसमें से क्या हमसे भी मिस कर जाते हैं। ठीक है ना, तो जो होगा अगर कोई गड़बड़ होगा तो उसको कमेंट करिएगा, फिर उसका क्या है सही कर दिया जाएगा। ठीक, अब चलिए आइए। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज द प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ ए लिफ्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक ऑफ लिफ्ट इज म्यू, द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज द अप्लाइड द ब्लॉक इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अब ये देखिए, ये पॉइंट नोट करिएगा, ये जो पॉइंट है इस पे ये नोट करिए। ये देखिए क्या कर रहा है, यहां पर लिफ्ट जो है वो फॉल्स फ्रीली, देखो लिफ्ट जो है फॉल्स फ्रीली, लिफ्ट जो है फॉल्स फ्रीली, द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एफ इक्वल टू क्या होता है म्यू एन होता है, तो जब फॉल्स फ्रीली होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपका जीरो वाला हो गया। ठीक है ए। अब चलिए आके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ए क्रिकेटर हिट्स ए बॉल ऑफ मास 1 kg कमिंग टुवर्ड्स हिम विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। चलो भाई 20 मीटर पर सेकंड हिट कर रहा है, बहुत सही। एंड बॉल बाउंस बैक विद द सेम स्पीड इफ द टाइम ऑफ इंपैक्ट इज 1/50 सेकंड, द टोटल फोर्स एक्सटेंडेड इज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये देखो 20 मीटर पर सेकंड से आया, फिर क्या करा, एंड द बॉल बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से फिर गया, तो इसका मतलब मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो गया 2 mv। अरे भाई mv तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम 2 mv हो गया। तो अब ये बताओ फोर्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 mv अपॉन टाइम हो जाएगा, क्यों भाई 2 mv अपॉन टाइम हो जाएगा कि नहीं, यही तो होगा फोर्स एफ इक्वल टू 2 mv अपॉन कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, न्यूटन के सेकंड लॉ इक्वेशन से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मास दिया गया है, मास रख दीजिए, वेलोसिटी दिया गया है, सब कुछ रख देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 2000 न्यूटन आएगा, कितना आएगा देखिए सब सिंपल है भाई, आया एमबी से, और ये देखिए ये बैट है, बैट पे एमबी से आ रहा है और इधर की तरफ क्या जा रहा है माइनस एमबी, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा एमबी कितना हो गया माइनस 2 mv। अब मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा ये 2 mv हो जाएगा कि नहीं। अब ये बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, तो ये फोर्स हो गया। तो दूसरे का कौन सा सही है, बी वाला सही है। आ जाओ भाई तीसरे पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड फ्रॉम ए कांस्टेंट फोर्स एफ हैज शोन द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब हमको यहां से एक्स डिस्टेंस पे, ये देखिए एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है। तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो एक देखिए, एक इसकी इधर की तरफ होगा एक्शन रिएक्शन कारण, एक इधर की तरफ टेंशन होगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू वाई होता है, एफ बाई एम होता है, बोलो भाई एक्सेलेरेशन होता है कि नहीं। अब ये बताओ इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, इस पार्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो ये देखो फोर्स एफ इधर की तरफ आते हैं और टेंशन टी इधर की तरफ आते हैं, और ये जो हो गया लेंथ कितना हो गया इसका यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल होगा, तो एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू m बाई एल इंटू कितना x हो जाएगा, क्यों
यही तो होगा एम डैश। अब क्या आ जाएगा, आपको क्या निकालना है, ये टेंशन टी निकालना है। अब आपके पास न्यूटन का सेकंड इक्वेशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आपके पास है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो ये देखिए क्या करेंगे, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश ए करेंगे, या एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश है क्या, एम बाई एल यक्स है और ए कितना है, एफ बाई एम है, ये देखिए एफ बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया, या टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ माइनस यक्स बाई एल एफ। अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, टी इक्वल टू कोई है ऑप्शन, ये वाला डी लग रहा है, कौन सा लग रहा है, डी। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे भाई। चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सेम इसी तरह के हैं भाई, लॉज ऑफ मोशन से छोटे छोटे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमने दिया है, बहुत इधर उधर फालतू चीजें नहीं। अब देखिए टू ब्लॉक्स ए एंड बी दे रहा है, हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द स्मूथ सरफेस ऑफ ए फोर्स एफ इज द अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन ए द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन एफ ए एंड बी। ये देखिए आपको इसके और इसके बीच में हमको कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, तो अब देखिए इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना ही इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, क्यों भाई, यही तो नियम होता है, इसके कारण इस पर जितना फोर्स होता है उतना ही इसके कारण इस पे फोर्स होता है। अब देखो इस पे जो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा ये भाई जहां से फोर्स अप्लाई करते हैं उसके पीछे का मास, ये देखिए इधर से फोर्स अप्लाई करें तो इसके पीछे का मास, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए एम टू ए हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम करके भी कर सकते हैं, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम वन ए, एफ इक्वल टू एम टू ए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम टू ए क्या होता है भाई, ए सभी लोगों को पता ही होता है, एम टू ए क्या होता है, एफ अपॉन क्या टोटल मास, भाई यही तो होगा एक्सेलेरेशन, फोर्स अपॉन टोटल मास, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी वाला आ रहा है, तो एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू हो गया, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, कैसा होता है भाई, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और कंजर्वेटिव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलास्टिक फोर्स, ये सब आपके कंजर्वेटिव होते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। यहां देखिए भाई छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहां पर देखिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, और आपका फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया है, एफ इज शोन इन द ग्राफ, द कर्व इज सेमी सर्कल, कर्व क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है, आपको वेलोसिटी यहां पे बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा भाई, ठीक है, मूव विद इट बिगिंस मूव विद द वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी u है, बाद में जब ये क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको मालूम होगा कि क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है इंपल्स होता है, तो इंपल्स इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये देखिए इंपल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इंपल्स क्या हो जाएगा यहां पे, इंपल्स इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी एम यू ही आएगा, कितना आएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी भाई, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा यहां पे वह कितना आएगा, एम यू आएगा, ठीक है, तो ये चेंज ऑफ इंपल्स, इंपल्स हो गया, इंपल्स क्या है, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया, तो यहां देखिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये देखो ये सेमी सर्कल है, यहां देखिए दो प्रकार के, एक आर वन लेते हैं, आर टू ले लेते हैं, तो भाई जैसे यहां पे वैल्यू आर वन आर टू अलग अलग है, आर वन जो है वह एफ नॉट है और आर टू जो है वह क्या है, टी बाई टू है, टी बाई टू है, तो अब यहां पे जो एरिया होगा इसका, ये देखिए पाई बाई टू आर वन आर टू इक्वल टू एम यू होगा, या पाई बाई टू आर वन आर टू, आर वन आर टू कितना हो गया भाई, आर वन देखिए एफ नॉट हो गया, आर टू कितना हो गया, टी बाई टू हो गया, इक्वल टू एम यू हो जाएगा, ये देखिए इक्वल टू एम यू हो गया, इक्वल टू एम यू हो गया, हमको फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख लो पाई एफ नॉट टी अपॉन कितना, ये फोर एम हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो सिक्स का कौन सा हो गया, सी। फिर चलते हैं सेवन वाले पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ सच दैट द वैल्यू ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम पी एट एनी टाइम टी इज इतना, द एंगल थीटा फॉर बिटवीन एफ एंड पी एट ए गिवन टाइम विल बी। तो ये देखो सबसे पहला काम आप क्या कर लीजिए, लीनियर मोमेंटम आप निकाल लीजिए, तो लीनियर मोमेंटम आप निकालेंगे तो ये देखिए लीनियर मोमेंटम जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, टू कॉस टी आई कैप प्लस टू साइन टी जे कैप। अब चलिए जरा आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, आपको पता है न्यूटन का सेकंड नियम
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन टी आई कैप हो गया और प्लस टू कॉस टी जे कैप हो गया। अब देखो जब आप यहां पे देखेंगे तो एफ और पी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा, 7 का ए हो जाएगा। फिर चलते हैं एट वाला देखते हैं क्या भाई। एक ब्लॉक है 10 kg का, इस प्रकार का ब्लॉक दिया गया है, देखिएगा एट वाले में देखो भाई, इस प्रकार का ये 10 kg का ब्लॉक दिया, इज प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज द सस्पेंडेड वर्टिकली बाई मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। इफ कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4 द रिजल्टिंग एक्सेलेशन ऑफ सिस्टम इज, मतलब रिजल्टिंग एक्सेलेशन ऑफ सिस्टम आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सब कुछ है, मतलब ये सिस्टम अभी चल नहीं रहा है, तो ये देखो इसका वेट कितना हो जाएगा 20 g नीचे की तरफ होगा, टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा। यहाँ देखिए ये टेंशन टी है, सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा। क्यों भाई, द ब्लॉक ऑफ 10 kg मास प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड ब्लॉक ऑफ मास 20 kg सस्पेंडेड वर्टिकली बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन द रिजल्टिंग एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम, सॉरी सिस्टम एक्सेलेरेशन भी है इसमें। तो ये मान लीजिए इधर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं और इनका एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, जो आप यूज करें। तो अब यहाँ के लिए क्या बनेगा, 20 g, ये देखिए 20 g माइनस टी इक्वल टू 20 a बन गया। ये देखिए इसके लिए क्या बन गया भैया, ये देखिए ये नेट फोर्स इक्वल टू, भाई यहाँ भी तो है टेंशन इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये देखिए ये सिस्टम अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो 10 - μ कितना है, म्यू 0.4 है, ये देखो म्यू हो गया 0.4 आ गया, यम कितना है 10 आ गया, जी ही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 a हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कट गए, 20 g में से ये आ गया 20 g माइनस 0.4 इंटू 10 इंटू जी इक्वल टू 30 a। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आठवें का जो ऑप्शन आएगा वह सी वाला आएगा, 8/15 g आएगा, 8/15 g, देख भी सकते हैं 8/15 क्या जी आएगा। अरे भाई ये कितना हो गया, 4 हो गया, 20 में से 4 गया 16, 16/30 को 8/15 भी आप कर सकते हैं, तो 8 का कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। नवा देखते हैं भैया, 10,000 स्मॉल बॉल्स ईच वेट 1 g स्ट्राइक 1 square centimeter ऑफ एरिया पर सेकेंड with a velocity of 100 meter per second in a normal direction and rebound with the same velocity, the pressure on the surface, तो प्रेशर है तो प्रेशर के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स भाई, फोर्स के लिए आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा भाई, फोर्स के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। तो ये बताओ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा 2mv, संख्या कितनी है, n/t हो गया, यही तो फोर्स हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे भाई एमबी से गया, एमबी से आया, फोर्स एग्जर्ट कितना हो गया, 2mv, संख्या कितनी है, एन है, टी, और भाई प्रेशर फाइंड करना, प्रेशर क्या हो जाएगा, बोल दो भाई फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या है, 2mv n t a, सब कुछ दिया गया है। ये देखिए 2m मास कितना दिया गया भैया, मास 1 g, 1 g का मतलब 10^-3, वी कितना दिया गया है, वी वेलोसिटी 100 meter per second, चलो भाई यन कितना दिया, 10,000 है, कितनी संख्या है इनकी, 10,000 है, टी कितना है भैया, 1 second, एरिया कितना है, 1 square centimeter, मतलब 10^² square centimeter, मतलब 10^-, कितना हो जाएगा ये, 10^-4 हो जाएगा। अब इसको सबको सॉल्व कर लेते हैं भाई, एरिया भी दे दिया है 10^-4, इस तरह से भाई 10^-2 मीटर स्क्वायर, 10^-2, तो ये 10^-4 मीटर स्क्वायर हो गया भाई, 1 square centimeter दिया गया है। तो अब इस तरह से सबकी वैल्यू हमने रख दिया, सब रखेंगे इसमें, सॉल्व करेंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन कट पिट के आएगा भाई, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आ रहा है, 2 × 10^7 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो नहीं आ रहे हैं भाई, ठीक है, उन्हीं को ध्यान से देखिए, जो आ रहे हैं उसको भी सीखिए। अब देखो, 3 light strings, भाई थोड़ी स्पीड ज्यादा रहती है इसमें, 3 light strings are connected at a point P, a weight W is the suspended from one of a string
एंड ए ऑफ स्ट्रिंग ए बी एंड बी ऑफ स्ट्रिंग पी वी आर फिक्स्ड एज शोन इन इक्विलिब्रियम पी वी इज द हॉरिजॉन्टल पी ए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ द टेंशन इन पी वी इज 30 न्यूटन पी वी में टेंशन 30 न्यूटन है देन द टेंशन इन पी ए में आपको टेंशन बताना है एंड वेट डब्ल्यू आर रिस्पेक्टिवली। चलो भाई सबको सॉल्व कर सकते हैं एक ही बार में। ये देखो क्या हो रहा है, ये टेंशन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऐसा करते हैं ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ये देखो ये क्या आ जाएगा t sin 60 और ये क्या आ जाएगा t cos 60। ये देखो t cos 60 हो गया ठीक है। t cos 60 किसके बराबर होगा भाई, t cos 60 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब ये देखिए t cos 60 कितना होता है 1/2, ये 30 हो गया यानी t इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। ये देखिए t इक्वल टू 60 आ गया भाई, t इक्वल टू 60 आ गया। ये भी पूछा गया है, पी ए भी पूछा गया है, ये देखिए पी ए निकल गया। और वेट डब्ल्यू कितना होगा तो टी साइन 60 डब्ल्यू के बराबर होगा। क्यों, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखो टी साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू, टी कितना हो गया 60, साइन 60 कितना हो गया रूट 3/2, ये देखिए डब्ल्यू 2 से कितना हो गया 30, तो ये क्या आ गया 60 और 30 रूट 3 सी वाला ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं 11 वाले पे। टू मासेस ऑफ 10 kg, दो मासेस दिए गए हैं देखिए 10 kg और 20 kg आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग एज शोन। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द 20 kg मास एट ए सर्टेन इंस्टेंट। द एक्सीलेशन ऑफ 10 kg मासेस इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सीलेशन ऑफ 20 kg मासेस एट दैट इंस्टेंट। आप जानते हैं कि सभी लोग एक बात को जानते होंगे कि अगर किसी एक स्प्रिंग से दो मास अगर कनेक्ट होते हैं तो भाई इसका एक्सेलेशन अगर A1 होगा तो ध्यान देना इसका एक्सेलेशन भी A2 होगा। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ये लिख दिया है ठीक है कि 10 kg का मास एक्सेलेशन कितना है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलेशन पूछ रहा है 20 kg का क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो आपका KX ही होगा, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, KX लगेगा, वही टेंशन का काम करेगा भाई, जो स्प्रिंग में टेंशन होगा वही स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। तो क्या होगा इसके लिए अगर हम बनाएंगे तो 200 उधर की तरफ है और KX इधर की तरफ है और ये क्या हो जाएगा 20A1 हो जाएगा। इसके लिए ये जो KX है यही इसका एक्सेलेरेशन फोर्स देगा। तो इस वाले बॉडी के लिए KX इज इक्वल टू इसका क्या है 10 और N2 कितना है A2, यानी क्या हो जाएगा KX इज इक्वल टू 10 A2 कितना 12 120 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां ले जाके रखते हैं 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 20A1 हो गया। अब देखिए 200 में से 120 जाता है तो कितना बचता है, ये आपको पता ही होगा 80/20 इज इक्वल टू A1 यानी 4 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा A वाला। ये हो गया 11 का A। फिर देखते हैं 12, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत आया है नीट में, फिर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ चुका है तो फिर नहीं आएगा, फिर आ सकता है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है प्लम बॉब इज द हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार, इफ द कार मूव्स विद एन एक्सेलेरेशन ए द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एज, वर्टिकल से पूछ रहा है। तो ये भाई ये बताओ कार एक्सेलरेट हो रही है, ये देखो कार है इधर की तरफ कार चल रही है, इसमें देखो भाई ये लटका हुआ है, तो जब लटका हुआ है तो अब क्या होगा, ये लटका होगा तो पीछे की तरफ भाई इस पे सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा तो ऐसे हो जाएगा ये वर्टिकल से। तो ये देखो ये यम में हो जाएगा और ये वीएमजी तो लगेगा ही इस पे। अब बताओ ये थीटा है तो बोलो भाई ये भी थीटा होगा, यानी 10θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 10θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एमए बाई एमजी ठीक है, या एमएम कटा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए बाई जी, कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला, यानी 12 का कौन सा सही होगा सी वाला होगा ठीक है भाई। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 का सी वाला हो गया। 13 वाला देखते हैं भाई, 13 क्या कहता है, 13 का क्या सही है, 13 कह रहा है ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन द ट्रेन फील ए जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज किस कारण है भाई, भाई इसको तो सभी लोगों ने किया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो 13 क्या है करा कि व्हेन ए ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन द ट्रेन फील ए जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन, द बैक ऑफ सीट पुश द बॉडी फॉरवर्ड, द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी
विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द सीट कम टू रेस्ट ऑफ सम रीजन अदर देन द एबव थ्री, सब रीजन अदर द एबव थ्री। तो भाई आप इसको देख रहे हैं, तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा, भैया गाड़ी चल रही है तो सारा पोर्शन चल रहा है, जब रुक गया तो नीचे वाला पोर्शन रुक जाता है, ऊपर वाला चलता रहता है, जिसके कारण वह क्या हो जाएगा आगे की तरफ, तो 13 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के कट इन टू थ्री पीस, द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ ईच पार्ट। आप जानते हैं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, अगर लंबाई क्या है कम होगी तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, तो तीन बराबर टुकड़ों में तो इसका मतलब 3K हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिस्टम पुलीज फॉर द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट ए मास 100 kg विल बी। तो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपको आना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है सबको पता होना चाहिए, लोड अपॉन एफर्ट होता है। ये देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, ये देखो एफर्ट, भाई एनसीईआरटी में है ये, और इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत बच्चे कहते हैं हाई स्कूल की चीज है, हाई स्कूल की नहीं आपके स्कूल की चीज है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिस्टम पुली इज फोर है, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट ए मास, फोर्स नीडेड कितना है, फोर्स नीडेड 100 kg विल बी, 100 kg विल बी द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg विल बी, ठीक है भाई, द फोर्स नीडेड यानी 100 kg को कितना फोर्स चाहिए इसमें, तो भाई उसकी वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, और ये मतलब एफर्ट पूछ रहा है आपसे, तो ये देखिए 100 है, 100 kg है ना, हाँ 100 है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब एफर्ट कितना हो जाएगा, 100 में 4 से डिवाइड करेंगे 25 kg वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 kg वेट हो जाएगा। फिर देखो द मास ऑफ एलिवेटर इज 4000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 newton, द एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर इज, एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर इज, तो अब ये बताओ यहां पर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 48,000 मतलब ये वाला पोर्शन देखो इससे ज्यादा लग रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए, अगर ये वाले ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला अगर इससे कम होता तो इसका मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो 48,000 इज इक्वल टू 4000 और g plus a, तो अब ये देखो इससे 3 0 कट गया, 4 से कितनी बार गया, 12 इज इक्वल टू g कितना 10 a, a का मतलब 2 m/s² अपवर्ड, 16 का a वाला। 17 में आ जाते हैं, 17 देखिए, 2 masses A and B of 10 kg 5 kg respectively are connected with the string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of table as shown, the coefficient of static friction between A and the table, ये mu equal to इसके बीच का 0.2 दिया है, the minimum mass C should be placed on the prevent to moving is equal to, मतलब C should be placed on A to prevent from moving is equal to, ये तो होगा। ये बताओ B का मास कितना है, B का मास है A and B, B का मास 5 kg है, A का मास कितना है 10 kg है, तो चलो भाई अब देख लेते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल है ये भी, ये बताओ इसका वेट कितना लगेगा, mg लगेगा, यानी 5g इक्वल टू टेंशन लगेगा, तो ये बताओ 5g इक्वल टू कितना होगा, बोलो भाई टेंशन होगा, होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए इसका टेंशन, इसका टेंशन इसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू 10 + m जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टेंशन, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, म्यू 10 + m इक्वल टू क्या हो गया 5, चलिए भाई म्यू की वैल्यू है कितनी, अरे देख लो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, 10 + 5 इक्वल टू 5, ये क्या हो गया 2 + ये m होगा ना, 2 + 0.25 m इक्वल टू 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में आप क्या करेंगे 0.2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 15 kg आ रहा है, मतलब 17 का कौन सा हो जाएगा 15 kg आ रहा है, ये देखिए 15 kg आ गया। 18 क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 3 इक्वल वेट ऑफ मास m ईच आर हैंगिंग ऑन a, ईच आर हैंगिंग ऑन a फिक्स्ड पुली इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग द वेट b एंड c, इसके बीच का टेंशन फाइंड करना है, तो मान लो इसके बीच का टेंशन कितना हो गया T1 हो गया, ये देखो इसके बीच का टेंशन T1 हो गया, ये टेंशन कितना हो गया T2 हो गया, ये देखो टेंशन T2 हो गया, इसका वेट नीचे लगेगा, ये सब बराबर है, बराबर है, तो ये देखो mg भी लगेगा, इसका भी वेट देखना है mg नीचे लगेगा,
ये देखो इसका भी वेट mg नीचे लगेगा। तो अब क्या करते हैं, जरा फ्री बॉडी डायग्राम से हम जरा इनको लिखते हैं। ये देखो t2 ऊपर की तरफ है तो इसका क्या लिखेंगे, t2 माइनस mg इक्वल टू क्या लिखेंगे, m में लिखेंगे। ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है तो ये देखो t1 प्लस mg, यानी t1 प्लस mg माइनस t2 इक्वल टू क्या होगा, m में। भाई ये पूरा सिस्टम ऊपर इधर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है, ये है। यहां देख लो इसका क्या होगा, mg माइनस t1 इक्वल टू mg माइनस t1 इक्वल टू क्या, m में। अब आप एक काम करिए, सबको जोड़ दीजिए, ये कटा ये कटा ये कटा, और ये देखो mg से mg भी कटा, कटा कि नहीं, mg से एक mg भी कट गया। बोलो भाई t2 माइनस कितना हो गया, mg इक्वल टू m में हो गया। और इसका जरा देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, t1 सब कट रहे हैं ना, नहीं t1 से, हाँ t2 सब कट रहा है, t1 से t2। और ये देखो ये mg बचा, कितना बचा, mg माइनस t1 इक्वल टू इसका क्या होगा, m में हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये 3m में है और ये mg हो गया, 3m में है और ये mg हो गया। तो देखो भाई इसमें क्या आ गया, सब कट गया, क्या बचा, a इक्वल टू जी बाई थ्री आया। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, ये t1 इनके और इनके बीच का, तो t1 निकालना, तो कोई खोज लो, इसको खोज लिया हमने, a की वैल्यू g बाई थ्री रख लिया, तो mg में से mg बाई थ्री यानी 2mg बाई थ्री यानी c आया, कौन सा आया c, तो 18 का c हो गया। 19 चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एन लाई ऑन द टेबल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द एज ऑफ टेबल विदाउट चेन स्लाइडिंग। तो इस तरह से दिया है, तो ये देखो ये एक चेन दिया गया है, ये देखिए एक चेन दिया गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, एल दी गई है। लाइज ऑन द टेबल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन विच इज हैंग फ्रॉम द एज ऑफ टेबल विदाउट स्लाइडिंग, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन, ये देखिए मैक्सिमम लेंथ जो हो गई वह कितनी हो गई, ये स्मॉल एल हो गई, इसके ऊपर क्या हो गया, एल माइनस एल हो गया। तो आप जानते हो फ्रिक्शन कोफिशियंट म्यू इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, हैंगिंग पार्ट अपॉन मास लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, हैंगिंग पार्ट, ये देखो हैंगिंग पार्ट अपॉन मास लाइंग ऑन द टेबल, ये देखिए ऑन द टेबल, हैंगिंग पार्ट अपॉन मास लाइंग ऑन द टेबल म्यू इक्वल टू, हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा एल, मास कितना हो जाएगा एल माइनस एल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, तो भाई मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ के ही होगा ना, तो सी वाला ऑप्शन होगा इसका। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास एम इज द सपोर्टेड बाय कॉर्ड सी फ्रॉम द सीलिंग एंड एन अदर कॉर्ड डी इज द अटैच टू द बॉटम ऑफ द ब्लॉक इफ डी इज द पुल्ड ऑन स्टीडली, अगर डी को स्टीडली पुल करेंगे आराम से तो याद रखना एनर्जिया डी से सी ट्रांसमिट हो जाएगा, तो कौन सा टूटेगा, सी टूटेगा, ठीक है, यानी सी टूटेगा, सी ब्रेक्स अर्लियर देन डी। और अगर मान लीजिए अचानक खींचते हैं, अचानक खींचते हैं तो डी वाला टूटेगा, ठीक है ना, तो अगर स्टीडली खींचेंगे तो सी वाला टूटेगा, और अचानक अगर खींचते हैं जर्क दे देते हैं, खटाक से जर्क दे देते हैं, तो कौन सा टूटेगा, डी वाला। तो ये हो गया आपका 20वां। अब आ जाते हैं 21वें पे, 21वां कह रहा है बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल, ये देखिए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द लॉ इतना QP दिया गया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो अब क्या कर दीजिए, फोर्स के लिए एक्सेलेरेशन चाहिए, तो इसका जरा डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस 2qt और प्लस 3rt स्क्वायर। चलिए भाई एक्सेलेरेशन के लिए कितना हो जाएगा, 2q प्लस 6rt हो गया। अब चलो t इक्वल टू 2 सेकंड रख देते हैं, a इक्वल टू 2, q कितना है, q 4 है, ठीक है, 6, r कितना है, r 5 है, t कितना है, 2 है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन कितना है, 8 प्लस 6 पचे 30, दूनी 60, 68 आ गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गया। फोर्स f इक्वल टू क्या होना चाहिए, m में, तो इसका मतलब f इक्वल टू 2 इंटू 68, कितना हो गया भाई, 2 इंटू यानी 136 न्यूटन हो गया, कितना हो गया, 136 न्यूटन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, हॉकी प्लेयर इज द मूविंग नॉर्थवर्ड, ये देखिए नॉर्थ जा रहा है हॉकिंग प्लेयर, और फिर क्या कह रहा है, सडनली टर्न वेस्ट विद द सेम स्पीड, सडनली टर्न वेस्ट विद द सेम स्पीड,
अब क्या कर रहा है, यानी हॉकी प्लेयर मूविंग नॉर्थ। ये देखिए आपके कॉपी पे क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सडनली टर्न वेस्ट। ये देखो सडनली टर्न वेस्ट ऐसे हो गया, इधर की तरफ आ गया। द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर इन द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा भाई। ये तो डायरेक्शन हो गया। तो अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या होगा। आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह अप्लाइड फोर्स के विपरीत होता है। तो हॉकी प्लेयर मूव नॉर्थवर्ड एंड सडनली वेस्ट, वेस्ट की तरफ आ गया। ये देखिए वेस्ट की तरफ आ गया। तो ये देखिए, तो जब ये मुड़ेगा तो ये बताओ अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ करेगा, मतलब इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स करेगा। नहीं, जैसे मुड़ते हैं ऐसे मुड़ेंगे तो अप्लाइड फोर्स इधर होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा अप्लाइड फोर्स के विपरीत होती है। इसका मतलब ये देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द साउथ वेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका 22वां। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। इनको खींचने में क्या है, बहुत कठिनाई होगी, लेकिन ये बड़े आनंद से खींच रहे होंगे, बहुत मजा हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होता है वह मैक्सिमम होता है, और इस कंडीशन में फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है। यहां क्यों ऐसा होता है, क्योंकि mg, ये देखिए mg और प्लस, मतलब ये जो 25 kg का, इसका mg और वेट दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में फोर्स जो होता है वह मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम लगने का मतलब क्या होगा, 25 × 10। ये देखिए 25 × 10 और प्लस 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 25 × 10 और प्लस 50 × 10। ये देखिए दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो 750 न्यूटन आता है। और इस दिशा में क्या होगा भैया, इस दिशा में देखिए इस आदमी का वेट mg इधर की तरफ लगेगा, और ये जो है ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो मिनिमम आता है, यानी मिनिमम का मतलब आदमी का वेट कितना हो जाएगा, ये देखो 500 न्यूटन, और इसका कितना हो जाएगा 250 न्यूटन, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी 23 का ए हो गया। 24 देखिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, मंकी ऑफ मास 40 केजी क्लाइम्स ऑन द रोप विच कैन स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन। 600 न्यूटन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक द मंकी। तो ये देखो देखते हैं, अगर 600 न्यूटन से ज्यादा आ जाता है तभी ब्रेक होगा। तो ये देखो पहला केस, अब इसमें बारी बारी चेक करना पड़ेगा, बारी बारी पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 600 है और 600 है इक्वल टू मास कितना है 40 है, जी कितना है 10 है, ए कितना है 6 है। तो ये देखो 600, अब यहाँ कुछ लगाओ मत, कुछ बराबर का साइन मत लगाओ, चेक करो खाली, खाली चेक करिए कितना आ रहा है। ये देखिए खाली चेक करिए, कुछ लगाइए मत, कुछ लगाने का मतलब यहाँ पे 600, ये देखिए 600 हो गया, एक मिनट, 600 हो गया, और ये मास कितना है 40 है, मास जो है वह कितना है 40 है। ये देखिए मास जो है इसका 40 आ जा रहा है, 40 हो गया, और G प्लस कितना हो गया, ये देखो G G G कितना है 10 है, और A कितना है 6 है। तो देखना है दोनों में कौन बड़ा है, 16 और ये कितना आ रहा है 48, क्लाइम्स अप विद द एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए 10 और 6 कितना हो गया, क्या इससे ये रस्सी टूट जाएगी इस कंडीशन में। भाई कह रहा है मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन द रोप विद कैन स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन 600। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक, रोप ब्रेक का मतलब 16 हो गया, और ये देखिए 16 और 40 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देख लेते हैं कौन इसमें ज्यादा है कौन कम है। देखिए भाई इसमें क्या हो जा रहा है कि 10 और 6 जोड़ रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जा रहा है, ज्यादा आ जा रहा है, ये 640 आ जा रहा है, आ जा रहा कि नहीं, इसका मतलब इस केस में रस्सी टूटेगा। ठीक है, अब देखिए 24 के बाद 25वां देखते हैं इसमें क्या है। फिगर शो ए मैन ऑफ मास 55 kg स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कॉन्वेयर बेल्ट दैट एक्सीलरेशन विद द 1 मीटर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन। अरे भाई जो एक्सीलरेशन है और उसका मास है वही तो नेट करेगा, यानी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एमए, एमए का मतलब क्या हो गया 55 × 1, यानी 55 न्यूटन। ये हो गया आपका 25वां क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कर रहा है, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर है रोलर देन टू पुश इट बिकॉज। अब देखिए होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देख लेते हैं कि फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि भैया फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है।
तो देखते हैं पुलिंग और पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शन किस पे जाते होता है। तो ये मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये एफ हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये इसका आर भी होगा, ये इसका वेट एम जी भी होगा। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू एम जी, या आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स इसमें एफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। पुशिंग के केस में क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए पुशिंग के केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं, ये देखो पुश कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लिया, ये एफ है, थीटा के पास वाला एफ कॉस थीटा हो गया और थीटा से दूर वाला एफ साइन थीटा हो गया, और ये देखो ये इसका वेट एम जी हो गया, हो गया कि नहीं, ये पुश कर रहे हैं, पुश धक्का दे रहे हैं, और नॉर्मल रिएक्शन ये आर ऊपर की तरफ हो गया। तो बोलो भाई क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी हो जाएगा। और ये देखो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ टू इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब खुद आप देख के बताओ एफ टू और एफ वन में कौन फ्रिक्शन ज्यादा है, हा? तो देखिए पुशिंग का फ्रिक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, पुलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द सर्फेस, मतलब खिंचाव जो होता है वह क्या करता है, उस सर्फेस के फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो इसीलिए खींचना आसान है विद रिस्पेक्ट टू ढकेलना, ये ध्यान देना। टू मास 8 केजी 12 केजी कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज, अगर मासेस को रिलीज किया जाता है। तो भैया पुली पर का आपको सब कुछ पता ही होगा, एक मास एम वन है, एक मास एम टू है। अब देखो भाई ये है ऐसे, तो भाई आप जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एम टू माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, और टेंशन कितना होता है, टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये सब शॉर्टकट याद रखिए। तो जब इसमें हम रखेंगे सारी वैल्यू, एम वन एम टू अगर हम रखते हैं तो रख के देख भी सकते हैं क्या आएगा आपका, फिर 27 का जो आएगा आपका वो बी वाला ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। 28 देखते हैं, ए रॉकेट विद द लिफ्ट ऑफ मास 20,000 केजी इज द ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। तो ये देखिए कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब एफ इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, एम जी प्लस ए होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना वो लिफ्ट वाला केस सब में होता है, तो एफ इक्वल टू एम जी प्लस ए हो जाएगा। एम कितना हो जाएगा, 20,000, ये देखिए 20,000, जी कितना हो जाएगा 10, ए कितना हो जाएगा 5, 15 × 30 यानी 3×10⁸, देख लेते हैं कितना होगा, 15 × 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हमारे ख्याल से 9.8 लिए हैं भाई साहब, ये तभी जाके सेट कर पाएंगे, तो 9.8 का 10⁵ ये आएगा आपका, 28 का ये। 29 देख लेते हैं क्या कह रहा है, टू स्टोन्स ऑफ मासेस सीएम एंड टू एम आर वाइल्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, द हैवियर वन इन द रेडियस आर बाई टू एंड द लाइटर वन इन द रेडियस आर, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज एन टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन वेयर दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द वैल्यू ऑफ एन एच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते हैं एमवी स्क्वायर बाई आर होता है, तो ये क्या हो गया, टू एम द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन एन टाइम, ये देखो वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, आर बाई टू हो गया 2m v square upon r by 2 हो गया। लाइटर वाले का क्या हो जाएगा, लाइटर इसका हो जाएगा m n square v square upon इसका रेडियस r है, तो अब क्या हो जाएगा, सब तो कट गया, तो n square is equal to केवल 4 बच रहा है, इसका मतलब n is equal to 2 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, a। 29 के बाद 30 पे चलते हैं, 30 क्या कर रहा है, मशीन गन फायर बुलेट ऑफ 40 ग्राम विद वेलोसिटी इतना, द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड, ठीक है, एट द मोस्ट कितना हो सकता है, तो आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एम बी अपॉन कितना टी, एफ कितना है 144 है, एन आपको बताना है, एम बताना है 40×10⁻³, और ये देखिए 1200 हो गया, अपॉन टी कितना है, टी एक सेकेंड होगा, टी एक सेकेंड दिया है। चलिए भाई यहाँ से सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए इससे ये कट गया, एन की वैल्यू जो आएगी वह अप्रोक्स, मतलब ये दो जीरो और ये सब कट गया, 48 144 में एन की वैल्यू
144 में 48 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स कितना आ रहा, 3 आ रहा, 3 आ रहा है, तो 3 होगा। फिर चलते हैं 31 पे, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज एन इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए इनिशियल स्पीड कितना दिया, 1 मीटर, जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेनेट्रेटिंग ए मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा जब पेनेट्रेट करेगी। इफ द वॉल ऑफर्स ए मीन रेजिस्टेंस इतना, द स्पीड ऑफ बुलेट ऑप्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AS। ये देखिए वी इक्वल टू रूट में यू बोले तो, यू बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए बोले तो 2.5 × 10⁻², अपॉन मास बोले तो 20 × 10⁻³, थिकनेस बोले तो 20 × 10⁻²। सब सॉल्व करेंगे, अगर सब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा भैया, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 0.7 मीटर पर सेकेंड। 32 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिगर शो द पोजिशन टाइम ग्राफ। एक फिगर में पोजिशन टाइम ग्राफ दिया है, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ बॉडी ऑफ मास इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स। तो इंपल्स होता क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, सब लोग जानता है इंपल्स कितना होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब ये देखो यहां क्या हो जाएगा, इंपल्स जो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये देखो 0 से 2 तक आपको बताना है, तो यहां स्लोप पॉजिटिव है, एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या हो गया, इनिशियल जो ये हो गया, ये देखिए एक्सटी ग्राफ, ये स्लोप पॉजिटिव है, देखो नहीं लग रहा है स्लोप पॉजिटिव, ये 2/2 का मतलब ये 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन ये 2 से 2 तक ये देखिए स्लोप निगेटिव है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया ये देखो ये वाला ये -1 हो गया। तो अब क्या करना है भैया, आई इक्वल टू यम कितना दिया, 0.4 दिया है, वी कितना है -1 यानी आई इक्वल टू -0.8 है किसी में, हाँ न्यूटन सेकंड, ये 32 का सी हो गया। फिर देखते हैं 33 क्या कर रहा है, व्हेन द फोर्स F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m such that F2 and F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी, इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव देन द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। तो ये बताओ यहां पर दो फोर्स हैं, ये कैसे लग रहे हैं, एक F2 लग रहा है, एक F3 लग रहा है, तो ये बताओ तीसरा फोर्स कैसे लगेगा कि इक्विलिब्रियम, जब इनके रिजल्टेंट के विपरीत लगेगा तब, तो यही तो, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कितना होगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू रूट में F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब कह रहा कि F1 को हटा दिया जाए, तो इसका मतलब इन दोनों फोर्स से चलेगा, तो इक्वल टू रूट में क्या होगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर अपॉन m। अब ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है भाई, ये ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, तो रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, ये देखिए रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, F1 बाई m कहेंगे, देखिए F1 बाई m कहेंगे, तो कोई है ऑप्शन 33 का ए वाला। फिर देखते हैं 34 क्या कह रहा है, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सीलरेशन ए, ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप ए बॉल, ये देखिए लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक आदमी है इसमें एक बॉल को नीचे की तरफ गिरा रहा है, ठीक है, एक देखिए एक आदमी यहां देख रहा है, एक आदमी यहां देख रहा है, दो आदमी हैं। तो भाई जब ये आदमी देखेगा तो इसको इसका एक्सीलरेशन कैसा फील होगा, g-a भाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में, आइन भाई साहब को कैसा फील होगा, इनको तो gn लगेगा, इनको क्या मालूम चलेगा लिफ्ट में गिरा रहे हो कान गिरा रहे हो, ये तो जी से ही देखेंगे। तो कहा यही गया है कि ऑब्जर्व बाई द मैन इन द लिफ्ट, मैन इन द लिफ्ट g-a और ये g यानी c वाला ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, c वाला, 34 का c। 35 देखते हैं क्या कर रहा है, थ्री फोर्स स्टार्ट एक्टिंग simultaneously ऑन द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, दीज फोर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, द पार्टिकल विल नाउ मूव विद द वेलोसिटी। तो ये बताइए कम से कम तीन फोर्स अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो उनका वेक्टर सम क्या होता है, ये देखिए ये क्लोज लूप बना रहे हैं कि नहीं, यानी इनका वेक्टर सम क्या होगा, यानी सिग्मा एफ इक्वल टू क्या होगा, 0। ये बताओ अगर फोर्स 0 हो गया इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वी रिमेन अनचेंज्ड, इसका मतलब 35 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, 35 का जो हो गया वह कौन सा हो गया, डी वाला हो गया, ठीक है भाई, 35 का डी हो गया। अब देखते हैं इसमें 36 वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 36 देख लेते हैं।
चलते हैं 36 पे, आ जाओ भाई। एन इंसेक्ट इज एट ए बॉटम ऑफ हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर, क्रॉल्स अप द डिच बट स्टार्ट सिपिंग आफ्टर ए हाइट एच फ्रॉम द बॉटम, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, कह रहा कितना ऊंचाई होगा। कह रहा है कि एक कीड़ा है, ये देखिए कीड़ा, इसका रेडियस आर है भाई, ये जो कीड़ा बात तो सरकत है, ये इसका ये थीटा हो गया। कह रहा कि ये वाली हाइट आपको बतानी है, ये वाली हाइट एच बतानी है आपको। तो अब देख लीजिए इसका वेट एम जी होगा ऐसे, अब ये है थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों आपस में बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये बताओ एफ होता कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा भाई। नॉर्मल रिएक्शन आर जो होगा वह एम जी कॉस थीटा के ही बराबर होगा, क्यों, इसी तो बराबर होगा, एम जी नीचे है, और ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी कटा, इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये देखिए टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा म्यू के बराबर हो जाएगा। ये देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 0.75 को आप 3/4 कह सकते हो, ठीक है। फिर अब देखिए हमको एच फाइंड करना है, एच क्या होगा ये बताओ, ये आर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर कॉस थीटा हो जाएगी, और ये पूरा आर है तो इसका मतलब एच इक्वल टू कितना होगा, आर माइनस, ये देखिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन माइनस कॉस थीटा। और बच्चों को बताओ अगर टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देख लो, देख लो 3 है 4 है, ये 5 हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, यानी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो आर कितना है भाई, बोलो बोलो आर कहाँ दिख रहा है, रेडियस दिया गया होगा, रेडियस कुछ ना कुछ ऊंचाई का दिया गया है, रेडियस 1 मीटर है। चलो 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा 4/5 है, ये देखो 4/5 हो गया, यानी 5 में से 1/5 और 1/5 का मतलब 0.20 मीटर, यानी 36 का कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। अब चलते हैं 37 पे, देखते हैं क्या है भाई, ठीक है 37 देखिए क्या है, करा द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विथ इंक्लाइनेशन 5 परफेक्टली स्मूथ। ये देखो भाई ये है करा कि आधा जो है, ये देखो आधा 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 जो है परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है। और करा कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से, और यहां रुक जा रहा है, यहां जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, और ये जो है ये रफ दिया है, क्या दिया है, ये रफ दिया है, ये देखो ये रफ दिया है, ये स्मूथ दिया है। तो अब कह रहा है कि कितना इसका ये द बॉटम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लोअर हाफ इज गिवन बाई, ये जो एंगल ऑफ फाई है ये तो है, तो ये बताओ यहां है क्या, इतने में तो एक्सिलरेट हुआ होगा, इतने में डी एक्सिलरेट हुआ होगा, तो जितना इतने पोर्शन का एक्सिलेशन है अगर इतने पोर्शन के डी एक्सिलेशन के बराबर होगा तो इसका मतलब वो फाइनली क्या है, रुक जाएगा। तो इस हाफ पोर्शन का एक्सिलेशन कितना होगा, जी साइन फाई, हाफ पोर्शन का डी एक्सिलेशन कितना होगा, माइनस जी साइन फाई माइनस कॉस म्यू 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 कॉस फाई। देखिए जी से जी कट गया, ये क्या हो गया 2 sin φ इक्वल टू म्यू कॉस फाई, या 2 tan φ इक्वल टू म्यू, 2 tan φ इक्वल टू म्यू है कोई, ये तो आ गया 2 tan φ, यानी 37 का क्या होगा ए। 38 देखते हैं क्या भैया, 38 क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज द फिक्स्ड, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या दिया गया है, फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k एंड एन स्ट्रेच लेंथ l, द अदर एंड इज फिक्स्ड, द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट रोटेट्स इन ए सर्कल इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस देन इट स्ट्रेच इन द स्प्रिंग एज। तो यहां देखो क्या है, एक स्प्रिंग है, ये देखो स्प्रिंग है, उससे मास अटैच है, l लेंथ का इसका स्प्रिंग है, और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जब घूम रहा है तो अब इसमें एलोंगेशन हो जाएगा, ये देखिए इसमें एलोंगेशन हो गया, तो एलोंगेशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम यल प्लस यक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, क्यों भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये के एक्स ही तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब आप यहां से यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आप यहां से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा,
ये वाला आएगा, बी वाला आएगा, तो 38 का कितना हो जाएगा बी। 39 देखते हैं क्या है, करा एनुलर रिंग विद द इनर एंड आउटर रेडियस आर वन आर टू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू पार्टिकल ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट्स, ये बताइए उनका एंगुलर वेलोसिटी तो आपस में बराबर होगा, मास भी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ वन इक्वल टू एम आर वन ओमेगा स्क्वायर है, मार ओमेगा स्क्वायर होगा, और एफ टू इक्वल टू क्या होगा ये बताइए एम आर टू ओमेगा स्क्वायर होगा। भाई ओमेगा भी वहां पे सेम होगा, होगा कि नहीं भाई, दोनों चीजें वहां पे क्या होंगी सेम होंगी, तो अगर दोनों चीजें यहाँ पे सेम होगा तो यम एम कट गया, ओमेगा ओमेगा यानी एफ वन बाई एफ टू इक्वल टू आर वन बाई आर टू। देखो हमने वेलोसिटी नहीं लिया है, जानते हो क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वेलोसिटी रोलिंग मोशन में अलग अलग होगा, लेकिन ये ओमेगा उसका क्या होगा प्रत्येक पॉइंट का सेम होगा, इसीलिए एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल टू आर वन बाई क्या आर टू, यानी बी वाला ऑप्शन हो गया 39 का बी। फिर आते हैं 40 पे, 40 क्या कर रहा था, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स ए फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवॉइड टू स्किडिंग, तो स्किडिंग के लिए क्या होनी चाहिए, जैसे कार अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ पे मुड़ रही है तो स्किडिंग के लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, ये देखिए तभी तो, यानी वी स्क्वायर लेस देन इक्वल देन म्यू जी आर, यानी वी लेस देन इक्वल देन रूट में म्यू जी आर, म्यू रखेंगे जी रखेंगे आर रखेंगे, क्यों सब कुछ रखते हैं, अगर म्यू जी और आर अगर रखते हैं तो यहां पर कितनी वैल्यू आती है 30 आती है, ये 40 का हो गया। फिर आते हैं 41, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टोन इज द ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एच, इट हिट्स द ग्राउंड विद द सर्टेन मोमेंटम पी, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन प्रीवियस हाइट, इसका मतलब डबल हाइट का, तो ये बताओ पी वन इक्वल टू कितना हो गया, यम रूट में 2gh हो गया, ये पी हो गया, पी टू इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए यम 100% ज्यादा है तो 2g2h हो गया, इसका मतलब रूट टू पी हो गया, तो कहा जा रहा है कि द मोमेंटम व्हेन हिट्स द ग्राउंड विल बी चेंज बाई, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी टू माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू 100, ये फाइंड करना पड़ेगा, पी टू है कितना रूट टू पी माइनस पी अपॉन पी इंटू 100, यानी कितना हो गया 1.41 माइनस 1 इंटू 100, यानी क्या हो गया 41%, 41 का कौन सा हो गया बी वाला हो गया। 42 पे चलते हैं भाई, ए बुलेट इज द फायर फ्रॉम ए गन, ए बुलेट इज द फायर फ्रॉम द गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई एफ इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10^5 t, वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड टी इन सेकेंड, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून इट लीव्स द बैरल, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड टू द बुलेट, तो अब देखिए एवरेज इंपल्स निकालना है, इंपल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू जीरो से टी एफ इंटू डी टी करना पड़ेगा, टी हमको नहीं पता है, तो ये देखो फोर्स जीरो हो रहा है, क्वेश्चन बोला है फोर्स जीरो, तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 10^5 टी इक्वल टू जीरो, या टी इक्वल टू 600 अपॉन 2 इंटू 10^5, यानी टी इक्वल टू 2 × 3 = 6 इंटू 10^-3 सेकेंड, ये देखिए टाइम आ गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इंपल्स आई इक्वल टू 0 से लेके 3 इंटू 10^-3, फोर्स है कितना 600 माइनस 2 इंटू 10^5 टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए, इंटीग्रेट बड़ा सही है सिंपल है 600, ये देखिए टी आ गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 3 इंटू 10^-3, यहाँ क्या आ गया टी स्क्वायर बाई 2 होगा 10^5, ये देखिए टी स्क्वायर और 0 से लेके 3 इंटू 10^-3 हो गया, 0 से लेके 3 इंटू 10^-3 हो गया, सबकी वैल्यू अगर रखते हैं तो सॉल्व होकर 0.9 न्यूटन सेकंड आएगा। फिर चलते हैं 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मास m1 m2 m3, ठीक सबके मास बराबर है, ये देखिए इनका भी मास m है, इनका भी मास m है, इनका भी मास m है, ठीक है, कहा जा रहा है कि द एक्सीलेशन बताइए, तो एक्सीलेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलेशन इक्वल टू देखिए f नेट अपॉन तीनों का मास, तीनों का मास 3m हो जाएगा, अब नेट क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये देखिए ये क्या होगा mg माइनस यहां क्या लगेगा म्यू mg, अरे भाई फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इसका भी फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा पीछे की तरफ, माइनस म्यू mg अपॉन कितना हो जाएगा 3m, ये बताओ क्या जाएगा a इक्वल टू, a इक्वल टू g कॉमन हो गया
वन माइनस टू म्यू अपॉन कितना थ्री, जी वन माइनस टू म्यू अपॉन थ्री, वन माइनस टू म्यू अपॉन थ्री, 43 का सी हो गया। 44 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया एक ब्लॉक यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ये ब्लॉक इस पे रेस्ट होता है। तो देख लेते हैं इस पे कैसे फोर्स लगेगा। तो पहली चीज तो इस पे वेट एम जी लगेगा ही। अगर इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो इस पे सूडो फोर्स एम में इधर की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ होगा। ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा होगा। एम जी को दो कंपोनेंट में तोड़ दो, ये देखो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ये देखो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एम ए को भी दो कंपोनेंट में तोड़ दो, ये देखो ये एम ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो आर इक्वल टू हम क्या करते, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा कर देते। और देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। देखो भाई एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो गया, हो जाएगा कि नहीं। एम ए कॉस थीटा जो हो गया वह किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के। ये देखिए एम एम कट गया, ए इक्वल टू कितना हो गया, जी टैन थीटा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, डी वाला सही है। 45 देखते हैं क्या कर रहा है। 45 कर रहा है बैलून विद द मास डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलेरेशन ए। तो जैसे देखिए बलून का केस, रस्सी पे बंदर ऊपर नीचे जा रहा है, चल लिफ्ट का केस, वो सब क्या होता है, आर इक्वल टू अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन की तरफ जा रहा है तो आर इक्वल टू एम जी प्लस ए, नीचे की तरफ आ रहा है तो आर इक्वल टू एम जी माइनस ए। ये देखिए बलून अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उस पर बॉयंस फोर्स लगता है और ये होता है एम जी माइनस ए। फिर कह रहा कुछ मास उससे निकाल दिया गया, तो अगर कुछ मास निकाल दिया जाएगा तो हल्का हो जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बॉयंस फोर्स सेम रहेगा। अब ये देखिए एम माइनस मान लीजिए डेल्टा एम निकाला गया तो ऊपर की तरफ जा रहा है क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। क्वेश्चन करा कि एक्सेलेरेशन बताइए, दोनों आपस में बराबर हैं, यानी एम जी माइनस ए इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम जी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये देखिए एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम जी, और ये क्या हो जाएगा, एम ए माइनस डेल्टा एम जी माइनस डेल्टा एम ए, ये तो हो जाएगा। तो ये देखो एम जी कट गया कि नहीं। अब एम एम यहाँ क्या हो जाएगा, टू एम ए हो जाएगा, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, यानी 45 का कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। तो इस तरह से मैंने 4500 क्वेश्चन को 45 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। स्पीड थोड़ी फास्ट थी, थोड़ी क्या बहुत फास्ट थी। अब 45 क्वेश्चन करने हैं, तो जो आपको नहीं आ रहा है, जो एकदम नहीं समझ में आ रहा उसको ध्यान देंगे भाई। अगर आप लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा भी आपको हिंट मिलेगा तो सारा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट आपका क्या है फिजिक्स में, जो है वह आपका एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, जो मोशन इन प्लेन के नाम से है, ठीक है, मोशन इन प्लेन के नाम से है, जिसमें वेक्टर आपका रहेगा, जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, जिसमें आपके कुछ सर्कुलर मोशन के भी हल्के फुल्के काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के डिस्कशन में, आज के लिए थैंक यू।